अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं HTML फॉर्म्स। आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म्स होते हैं, जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, बटन्स होते हैं, ड्रॉप डाउन मेनूज होते हैं। तो इन सब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें फॉर्म्स का डिज़ाइनिंग करना पड़ता है HTML में। साइट यूज फॉर्म्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र एंड ट्रांसफर दैट इन्फॉर्मेशन टू ए सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र से लेनी होती है और इस इन्फॉर्मेशन को सर्वर को ट्रांसमिट करना होता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो HTML फॉर्म्स का यूज होता है। देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ HTML फॉर्म्स इन ए सिंगल पेज। तो एक पेज के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं HTML। एन इनपुट एलिमेंट इन ए फॉर्म कैन बी ऑफ टाइप टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, पासवर्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, etc। तो जो इनपुट एलिमेंट होता है जिसके थ्रू यूज़र का इनपुट हम सर्वर को प्रोवाइड करते हैं, वो टेक्स्ट फील्ड के फॉर्मेट में भी हो सकता है कि आप इसमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखो, जैसे अपना नाम लिखो तो ये एक टेक्स्ट फील्ड है। तो टेक्स्ट फील्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास जा सकती है। चेक बॉक्सेस हो सकते हैं कि अपनी चॉइस टिक करो तो वो इनपुट सर्वर के पास जा सकता है, या पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन जा सकती है, या रेडियो बटन के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकती है। रेडियो बटन में क्या होता है, कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा आपका जेंडर है तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। सबमिट बटन होगा तो आप फॉर्म के इस टाइप के एलिमेंट्स को यूज़ करके आप इनपुट सेंड कर सकते हो सर्वर को। तो फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स ये होते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी एलिमेंट्स इन फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग में कौन कौन से प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं जो हमें यूज़ करने ही होते हैं। एक होता है इनपुट टैग, एक होता है सिलेक्ट टैग, एक होता है टेक्स्ट एरिया और एक होता है बटन। तो इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम देख रहे हैं इनपुट टैग। इट इज़ यूज फॉर इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए यूज़र से इस टैग का यूज़ होता है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इस इनपुट टैग के। टाइप, इट पासिस द टाइप ऑफ कंट्रोल बटन, रेडियो, चेकबॉक्स, रीसेट, सबमिट, etc। तो ये टाइप बताता है कि जो टाइप ऑफ कंट्रोल पास करना है हमें सर्वर को वो किस टाइप का है। वो बटन के फॉर्म में इनपुट हम सर्वर को दे रहे हैं, या रेडियो बटन से जो इनपुट आ रहा है, या चेकबॉक्स से जो इनपुट आ रहा है, या रीसेट या सबमिट बटन से जो इनपुट आ रहा है यूज़र का, इसको किस टाइप से हम लेंगे। नेक्स्ट इज वैल्यू। सेट द इनिशियल वैल्यू और लेबल टू द कंट्रोल। तो जो भी कंट्रोल आपने लिया है, चाहे चेकबॉक्स हो, चाहे टेक्स्ट एरिया हो, चाहे बटन्स हो, उनको इनिशियल वैल्यू और लेबल देने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। मैक्सिमम लेंथ, इट इज़ यूज फॉर टेक्स्ट फील्ड टू फिक्स द मैक्सिमम साइज ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी एंटर्ड। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स या 30 कैरेक्टर्स ही इनपुट में देने हैं। तो ये मैक्सिमम साइज ऑफ कैरेक्टर्स जो टेक्स्ट फील्ड में आएगी, इसको फिक्स करने के लिए मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज फॉर टेक्स्ट फील्ड टू फिक्स द मैक्सिमम साइज ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी एंटर्ड। तो इस टेक्स्ट फील्ड एलिमेंट में कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स आप अलाउ कर रहे हो जो यूज़र इनपुट कर सकता है। नेक्स्ट इज चेक्ड, इट पासिस यस और नो। इट इज़ एप्लीकेबल इन रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स। चेक्ड एट्रीब्यूट होता है, इसकी वैल्यू या तो यस होती है या नो होती है, ठीक है। तो ये किन पे अप्लाई होता है, रेडियो बटन एंड चेकबुक्स। नेक्स्ट इज नेम एट्रीब्यूट, असाइंस अ नेम टू द गिवन फील्ड सो दैट यू मे रेफरेंस इट टू लेटर। तो कोडिंग जब भी कोई वेब डेवलपर करता है तो हर एक फील्ड को एक नेम देता है, जिससे आगे अगर उस कंट्रोल को उसे यूज़ करना हो तो उस केस में वो उसके नेम को यूज़ कर सकता है। जो टेक्स्ट फील्ड होगा, चेकबॉक्स होगा, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं HTML फॉर्म्स के, इनको वेब डेवलपर नेम दे सकता है विद द हेल्प ऑफ नेम एट्रीब्यूट। तो अगर सपोज एग्जाम में आपको एक फॉर्म बना हुआ हो आया हो और आपको बोले इसका HTML कोड लिखो, जैसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें डिज़ाइन करना है जिसका टाइटल है रजिस्ट्रेशन, इसमें एक एंटर नेम करके लेबल लिखा हुआ है और उसके आगे बना हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के लिए दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए सेंड है, इस फॉर्म को क्लोज करने के लिए एग्जिट बटन है, और रीसेट करने से क्या होगा, अगर यहाँ पर आपने कोई एंट्री गलत की है और आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो रीसेट बटन हेल्प करेगा। तो इस टाइप से अगर कोई फॉर्म आता है आपको और आपसे कहते हैं कि इसका HTML कोड लिखो, तो कैसे लिखोगे, पहले तो हम HTML टैग लिखते हैं, फिर हेड टैग लिखते हैं, फिर टाइटल टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइटल क्या दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर ये नहीं आएगा एंगुलर ब्रैकेट। तो टाइटल रजिस्ट्रेशन हमने लिखा और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। ये हेड टैग के अंदर आ गया क्योंकि हमें पता है कि टाइटल टैग हमेशा कहाँ पर आता है, हेड टैग के अंदर आता है। फिर हम क्या लिखेंगे, बॉडी टैग, ये यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज होगा और ये HTML टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है।
तो इस बॉडी के बीच में, इस बॉडी टैग के बिटवीन हम फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो फॉर्म टैग हमने यूज़ किया, इससे फॉर्म क्रिएट होगा हमारे एचटीएमएल पेज पे। और हमने पहले लिखा एंटर नेम, तो एंटर नेम लिखा हुआ आएगा। फिर हमने क्या लिखा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। हमें इन यूज़र से इनपुट लेना है, तो इनपुट टैग और किस टाइप का हमें एलिमेंट चाहिए यहाँ पर, टेक्स्ट टाइप का, जिसमें यूज़र कैरेक्टर्स को या नंबर्स को इनपुट कर सके। और उसकी साइज़ कितनी दी है, 30। तो ये जो है 30 साइज़ का ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा वेब पेज पे। तो इनपुट टैग का भी क्लोजिंग नहीं होता है, तो इसको क्लोज करने के लिए हमने स्लैश यूज़ किया है। तो इनपुट टैग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। फिर हमने यूज़ किया है br टैग का, तो यानी लाइन ब्रेक हो जाएगी, यानी लाइन चेंज हो जाएगी। जैसे C++ में हम स्लैश एन या एंडल का यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पर br का यूज़ होता है। लाइन चेंज हो गई, अब हमें क्या प्रिंट चाहिए, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर भी हमें जो ये एलिमेंट चाहिए वो टेक्स्ट टाइप का चाहिए, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट साइज इक्वल टू 30। तो ये टेक्स्ट बॉक्स भी 30 साइज़ का डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये इनपुट टैग का क्लोज। फिर हमने लाइन चेंज, फिर से लाइन चेंज करनी है। अगर आपको दिख रहा है कि ये दो लाइन्स का स्पेस है, तो आप br दो बार लिख लो, तो दो लाइन ब्रेक्स आ जाएंगी, दो लाइन्स का चैप आ जाएगा। उसके बाद देखो सेंड बटन है, एग्जिट बटन है और रीसेट बटन है। तो इनपुट टाइप में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बटन। ये तीनों ही किस टाइप के हैं, बटन टाइप के हैं। तो इनपुट टैग के अंदर हमने तीन बटन्स क्रिएट किए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रखी है सेंड, इसकी वैल्यू रखी है एग्जिट, और इसकी वैल्यू क्या है रीसेट। तो इसका जो लेबल आ जाएगा इन बटन्स के ऊपर, जो नेम लिखा हुआ आएगा, क्या आएगा, सेंड एग्जिट और रीसेट। और ये फॉर्म का क्लोज हो गया। तो इस टाइप से हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म टैग।